हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की डेट में बात करने वाले हैं द स्टॉक आई हैव बॉट टुडे

बिना जब पैसे पैसे बनाओगे बनाओगे किसी बेस पे आप आप अच्छा आपको, फ्यूचर तक तक लॉन्ग टर्म बने रहेंगे मार्केट में और भी मल्टीपल लोगों का नाम सुना है तो उन्होंने पैसा तभी बनाया है, जब मार्केट को सीखा है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बाइंग कोई को रिकमेंडेशन नहीं है अपनी खुद की ड्यू एज वेल एज खुद की स्टडी करके ही आपको आ, कुछ भी पोजीशन सेलिंग बाइंग करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेनी है और हमारी इस वीडियो को आ, दूसरे लोगों तक भी शेयर करना है क्योंकि वो भी सीख सके आप भी सीख सके और जब सब लोगों को साथ में लेके आप चलोगे तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा आपका ही बनेगा नॉलेज भी रिफ्रेश होगी इस चीज को याद में रखिएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है हम बात कर देते हैं इंटलेक्चुअल इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना इस कंपनी से रिलेटेड हम बातें करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है इससे रिलेटेड तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं तो इंटरलेक्ट डिजाइन एरना इज हैज ए

आधार की जो आपकी डिटेल्स होती है जो भी कुछ है आधार से रिलेटेड वो यही कंपनी हैंडल करती हुई नजर आती है इसके अलावा और भी कुछ चीज की बात करें तो ये फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी ये कंपनी मतलब ये कंपनी एक डिजिटल कंपनी की तरह पेश आती हुई नजर आ रही है तो इस चीज को याद देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आ, आती है

का पी रेशो है डेट की बात करें 3% का डेट है या कह सकते हैं डेट फ्री कंपनी है कोई ब्लेजिंग नहीं है तो ये सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हुई नजर आती है जब यहाँ पर डेट फ्री कंपनी हो तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है उसके ग्रोथ की सीएजीआर की बात करें तो पिछले 5 साल में 62% के सीएजीआर से कंपनी बढ़ रही है तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा इन्होंने डेटर डेज हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 57 टू 45 मतलब ये हर चीज में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है इनके डेटा पेस को भी ये कम करती जा रही है डेटा डेज को एज़ वेल एज़ बात करें यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो इसके जो रिजल्ट है इस बार के वो हाईएस्ट एवर है पिछले तीन क्वार्टर से जो रिजल्ट आ रहे हैं हाईएस्ट हाईएस्ट एवर एवर रिजल्ट आते हुए नजर आ नजर आ रहे नजर आ रहे हैं प्रॉफिट रहा है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर नजर आ रहा है और जब मैं हमेशा कहता हूं जब सारी चीजें आपको हाईएस्ट एवर नजर आती है तीन दो तीन चीजों का तड़का लग जाए ना जब एक चीज वो कौन कौन सी एक तो नंबर एक बात है क्वार्टरली रिजल्ट इस चीज को देखिए अगर आप देखिए सेल्स अच्छे खासी है और सेल्स ऐसा नहीं है कि घटते हुए मैनर में हमेशा इंक्रीज

वेरी बिग नंबर तो ये चीज को आपको सम, समझना होगा और क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है रिजर्व की बात करें तेरह करोड़ के रिजर्व मतलब तीन गुना रिजर्व होते ढाई गुना रिजर्व होते हुए नजर आ रहे हैं बढ़ते हुए बोरिंग की बात करें तो बोरिंग यहाँ पर कहा 2020 में 300 करोड़ की बोरिंग थी तो और अभी केवल 48 करोड़ की बोरिंग से रह गई है यहाँ पर इन्होंने अपनी बोरिंग को कंटिन्यूस यहाँ पर कम कर दिया है इस एक साल के अंदर अंदर फिक्स एसेट बढ़ता हुआ नजर आया देखा यहाँ पर फिक्स एसेट यहाँ पर यही चीज फायदा रहती है हमेशा याद रखना ये फिक्स एसेट 368 से 741 करोड़ में यहाँ चेंज हुआ है और यहाँ पर जो वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसे लगे हुए थे वो जो भी यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया और जब ये चीजें यहाँ पर ऐड होती हुई दिखाई देती है ना तो यहाँ पर जो नंबर है ना ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए दिखाई देते हैं इस चीज को हमेशा याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट एक करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है कैश की बात करें वन करोड़ का कैश है ट्रेड रिस अच्छा खासा है यहाँ पर बात करें यहाँ पर इस बार का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो हाइस्ट है चार तिरसठ करोड़ से का कैश बढ़ा हुआ है और इक्कीस मतलब कि की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं है। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कम करी है बट कोई इशू नहीं है बात करें एफ आई की सोलह परसेंट से लेके यहाँ पर पिछले बारह क्वार्टर में इन्होंने सत्ताइस परसेंट की मतलब ग्यारह परसेंट के शेयर यहाँ पर खरीदे और अभी लास्ट क्वार्टर में भी खरीद मतलब क्वार्टर में सितंबर में खरीदा फिर दिसंबर क्वार्टर में फिर मार्च में पर तो ये बताती है, अच्छा बात करते हैं पब्लिक की हिस्सेदारी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है पैंतालीस फिर चुम्बालीस फिर बयालीस परसेंट या इकतालीस उनतालीस अभी सैंतीस परसेंट की हिस्सेदारी है और उनमें से भी सैंतीस परसेंट की हिस्सेदारी बात करें यहाँ पर टू पॉइंट

फिर दूसरी बात बात करें तो ये जो कंपनी है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये ये कौन सा डे है ये 31 मार्च और अभी क्या चल रहा है अभी चल रहा है ये जुलाई तो लगभग लगभग दो महीने से अप्रैल मई जून मतलब तीन महीने से ये कंपनी एक ही रेंज में काम करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर भी लोगों ने खरीदा होगा वो भी यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे ट्रैप तो नहीं कहेंगे एक बार यहाँ पर ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे साफ और यहाँ पर बात करें फिफ्टी डीएमए यहाँ पर फिफ्टी डी के आसपास आ गया और फिफ्टी डीएमए से यहाँ पर अगर बात करें लगभग लगभग काफी दिनों से बीस बीस पच्चीस दिन से तो फिफ्टी डी के नीचे ही यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है तो देखिए टू हंड्रेड डी तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आएगा ये कंपनी क्योंकि जिस तरीके के नंबर है तो यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है बट अभी जैसे अभी रिजल्ट कंपनी के आने वाले और जैसी कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो ये शेयर और भागता हुआ दिखाई देगा थोड़ा बहुत यहाँ पर गिर सकता है आई एम नॉट टेलिंग यू की ये शेयर नहीं गिरेगा ऐसी भाग लेगा बट यहाँ से थोड़ा बहुत गिर सकता है और अगर बात करें कुछ टेक्निकल से रिलेटेड तो यहाँ पर आ, कुछ ऐसा खास चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा बट अगर आप बनाना चाहते हैं चार्ट पैटर्न तो ऐसा बात भी नहीं है कि नहीं बनेगा तो यहाँ पर एक छोटा सा, एक, एक सा यहाँ पर हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है और इसके हिसाब से अगर हम टारगेट डिसाइड करते हैं कि कौन के कि, कितने टारगेट हो सकते हैं तो इसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं तो ये 20 परसेंट ये पहली बात और यहाँ पर ऊपर जाके हमने यहाँ पर रख देते हैं इसे तो यहाँ पर आप देख लीजिए टारगेट कितने नजर आ रहे सॉरी तो ये टारगेट भी ठीक ठाक टारगेट है इतने बेकार टारगेट नहीं है अच्छे खासे टारगेट है और बेहतरीन यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है ये कितना परसेंट का हो गया ये लगभग लगभग सत्ताईस से उनतीस अट्ठाइस परसेंट का यहाँ पर रिटर्न हो गया ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है साढ़े आठ सौ से पाँच नौ सौ के आसपास ये जाता हुआ नजर आ रहा है और अच्छे खासे आर एस आई पे ये शेयर फोर्टी फोर के आर एस आई पे भी मिल रहा है फिफ्टी डीएमए के आसपास ही ये मेरी मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी दूसरे आई टी कंपनीज की बात करें तो वो सबके सब हाई लेवल पर अभी चल रहे हैं ओके अपने सारे डीएमए को तोड़ तोड़ चुके हैं ऑल टाइम हाई पे शेयर चल रहे हैं ये शेयर अपने

कर करिए और गॉड ब्लेस थैंक यू